अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है बलटसा यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में। हमारा कैमरामैन आपको व्यू करवा सकता है कि हमारे बैक साइड क्या हो रहा है और बैक साइड गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मतलब सब इसी ग्राउंड के आसपास है। तो हमने सोचा आज वीडियो बना ले कि ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आपके ज़िंदगी में आना चाहिए, आप लोग सब खुद इंडिपेंडेंट बन जाए और ज़िंदगी में कुछ रौनक बहाल आपका होना हो जाए। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, कोई काबिल हो तो शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती है। अगर जिसके अंदर काबिलियत, सलाहियत, कैपेसिटी है तो हम शान उनको कहीं देते हैं, इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। अगर बहुत से असरात ऐसे थुक्के में कुचे में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। दुनिया में फ्री कोई चीज़ नहीं है। इस दुनिया में आप आए हो, अब इस ज़िंदगी की जो लेगेसी है, इस टिनोर को अपने उन मकासद के लिए इस्तेमाल करना होता है कि इकबाल कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर मर्तबा ओहदा चाहते हो तो उस बीज की तरह बन जाओ, मिट्टी में जाकर बाद में गुले गुलजार बन जाता है। आपकी ज़िंदगी में तब ही रौनक बहाल होना शुरू हो जाएंगे जब आप मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने आप को बिल्कुल ऐसे कुछ अरसा गुमनाम हो जाओ, तब जाकर गली में फूल उगती है, तब जाकर गुलशन में बहार आती है, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो मोजिस दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपसे इल्तिजा है, आप अपने ज़िंदगी की जो इम्कानात, मुमकिनात, पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल आपके पास है, उनको इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी के फूल बन जाओ। आप कई किसी की ज़िंदगी में रौनक बहाल करवाना शुरू करवाए, क्योंकि ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। जब आप कोई चीज़ करते हो तो देखो, अब मौसम है, इस वक्त बादल भी मौजूद है, हमारे दोस्त आपको दिखा सकता है कि कितने खूबसूरत बादल है। इन जैसे मौसम में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे अच्छे टॉपिक्स सर्च करें, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात करें, क्योंकि इससे ये होती है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। जब नॉलेज में ज़्यादा होंगे, आपके पास नॉलेज होगा तो आप शेयर कर सकोगे। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकोगे, कैसे लोगों को लीड कर सकोगे, कैसे लोगों को राइट पाथ पर ले जा सकोगे। तो हमारा कहने का मकसद और हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद कि ज़िंदगी में चेंजेस लाए जब आप फ्री होते हो। आज जुमा था, इसलिए हमने सोचा कि फारग वक्त में हमारे कुछ दोस्त हैं तो हम इस ग्राउंड पर मौजूद होकर कुछ ऐसे वीडियोस बना लें कि आपको व्यू भी करवाएंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप तक मुनासिब समझा, आप इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना शुरू करवाएंगे। क्योंकि इससे ये होगी कि आपकी ज़िंदगी में जब आप खुद काम नहीं करेंगे कोई और, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और इसमें कोई किसी और रोल अदा नहीं करना। जब इसी में आप रोल अदा करोगे, आपकी ज़िंदगी में लग्जरियस आती है, इसमें आपकी जो बाग, आपकी जो ज़िंदगी इश्तिनोर है, इसमें खुशियों जैसे फूल, मतलब ऐसे फूल बिखरेंगे, आपको खुद तब यकीन होगा। जो यकीन की राह पर चल पड़े, इन्हें मंजिलों ने पना दी, जो कदम कदम पर बह गए, उन्हें वसवसों ने डरा दिया। जो यकीन कामिल पर, मतलब अल्लाह पर तवक्कल यकीन करके अपने सफ़र जारी रखते हैं, तो वो आगे जाकर अगर जो वसवसे में, मतलब करूँ नहीं करूँ, होगा या नहीं होगा, शिकवा करते हैं, फिर वो वसवसे में होते हैं, फिर वो हर मतलब गिर जाते हैं। जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बह गए। वो हर वक्त हर जगह डिप्रेशन, मायूसी, शिकवा तो कर लेंगे अपने आप से। तो ये थी हमारी कुछ पॉइंट्स, आप तक मुनासिब समझा, आप इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाएँ और ऐसे मौसम में आप इसको, मौसम को इन्जॉय करें। जब आप फारिग होते हो, इस मौसम में आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, आपका मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है इस व्यू, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कैमरा मैन का और हमारे दोस्तों का जो हमारे साथ कॉपरेट किया इस वीडियो को बनाने में, हमारी बहुत मदद की। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।